हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट द हार्ट ऑफ लेसन टू द अर्थ आवर होम द बर्ड्स साइंटिस्ट साइंटिस्ट का मीन्स होता है वैज्ञानिक लैंड लैंड मीन्स होता है भूमि धरती जमीन जो भी सरफेस का मीन्स होता है सतह क्रॉप्स मीन्स होता है फसल या फस यहाँ पे ऐसा लगा हुआ इसलिए फसलें स्पीड्स मीस होता है फैलाना वाइट मीस होता है चौड़ा डिस्टेंस मिस दूरी हॉरीजोन में क्षितिज वो जगह जहाँ पे क्या जो स्काई है और जो अर्थ है वो मिलते हुए दिखते हैं एट ए डिस्टेंस उस जगह को क्या बोलते हैं क्षितिज या हॉरिजोन बोलते हैं ये मैंने आपको अपने लेसन के बीच में पढ़ाया हुआ है एपियार्स एपियार्स मिस होता है दिखाई देना या प्रकट होना शीशोर शीशोर का मीन्स होता है समुद्र का किनारा जहाँ पे जो वाटर और लैंड मिलते हैं वो जगह कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज मेंस होता है तटीय क्षेत्र ये भी वही जगह होती है जहाँ पे वाटर और जो लैंड मिलते हैं वो कोस्ट भी मिल कोस्ट में होता है तट ये भी वही जगह होती है जहाँ पे वाटर और लैंड मिलते हैं एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल हमारे जो पृथ्वी है धरती है वो किससे कवर है वो हवा से कवर है एयर से कवर है जो ऊपर एयर है वो पूरे ए, एक एनवलप की तरह वो पूरा कवर है तो उसको क्या बोला जाता है एटमोसफेयर या वायुमंडल बोला जाता है एज मिस होता है धार या किनारा यहाँ पे आपके क्या आएगा किनारा डायरेक्शन इस लेसन में आपको मतलब एज का मतलब किनारा है डायरेक्शन मिस होता है दिशा सेल्ड मिस होता है पार करना या रवाना होता रवाना होना लेकिन यहाँ पे ई डी लिखा हुआ है तो ये पास टेंस में इसका मीन से पार किया आपके बुक में जहाँ पे सेल्ड आया है उसका मीन से पार किया जर्नी जर्नी मीन्स होता है यात्रा करना या फिर कहीं पे घूमने जाना यात्रा करना ही होता है बस इसका मतलब स्पेस Space, स्पेसशिप का मतलब होता है अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जो ये मैन मेड थिंग होती है स्पेसशिप अंतरिक्ष में जो यान छोड़े जाते हैं उनको स्पेसशिप बोला जाता है एनशियंट एनशियंट में सोता होता है प्राचीन या बहुत पहले का स्क्रिप्चर्स में सोता होता है हमारे जो शास्त्र हैं शास्त्रों इसमें एस लगा हुआ है इसलिए इसका बहुवचन हो गया शास्त्रों थैंक यू हैव ए नाइस डे राइट इन योर नोटबुक ओके